हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोहड़ी और मकर संक्रांति स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोभी ली है। एक छोटे से गोभी को मैंने कट कर दिया है और एक आलू को मैंने, मीडियम साइज के आलू को मैंने कट किया है। एक गाजर को मैंने बाकी चॉप कर लिया है। और मैंने यहाँ पे मसालों में लिया है धनिया, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक एक एक चम्मच सब लिया है। और अदरक, लहसुन और काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। 6-7 कलियां लहसुन की ली है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और 6-7 काली मिर्च लिए हैं। और सभी को कूट के मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बारीक पेस्ट बना लिया है। और 2-3 हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा मटर लिया है हमने यहाँ पे, और एक बड़े प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप मैंने चावल लिया है, क्योंकि मैं दाल ज्यादा डालती हूँ और चावल कम डालती हूँ, तो आधा कप चावल लिया है। उसी कप से 2 कप मैंने दाल लिया है। दाल में मैं दाल को मिक्स करके लिया है। उसमें मैंने अरहर दाल ली है, थोड़ी सी मूंग ली है और थोड़ी सी मसूर दाल ली है। तीनों को मिला के मैं जनरली रख लेती हूँ, उसी को मिला के मैं यहाँ पे मिक्स दाल बना रही हूँ खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर गर्म हो चुका है, मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाले हैं। अब तेल भी गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, हरी मिर्ची, प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। प्याज ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है तो इस बीच में मैं सारे सब्जियों डाल दी, सारे सब्जियों को फिर डाल के लेना है। लाइट ब्राउन हो जाए तो मसाले डालेंगे। सब्जी में हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी, धनिया, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची, मटर और नमक। एक से 2 मिनट मसाले को हमें भूनना है। एक से 2 मिनट हम लोगों ने मसाले को भून लिया है, तो अब मैं इस तरह से दाल डाल रही हूँ। चावल, तो मैं इसको 2 मिनट तक भूनूंगी। मैं यहाँ पे भरता, चटनी और पापड़ के साथ ये खिचड़ी खाने वाली हूँ। तो भरता की रेसिपी मैंने गोभी के पराठे के साथ डाल दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। 1-2 मिनट हो गया, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 1 कप डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा और डालूंगी, बहुत लोग बहुत पतली खिचड़ी खाते हैं, कुछ लोग गाढ़ा खाते हैं, हम थोड़ा गाढ़ा खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। मैं 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद
एक सीटी लगने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कर दूंगी। लो फ्लेम वो 5 मिनट के बाद आपकी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं खिचड़ी बन जाएगी। अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी और कैसी बनी है, एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई करिए, आपको उम्मीद है ज़रूर मज़ा आएगा। मेरी फ्रेंड ने बोला था मुझे खिचड़ी की वीडियो डालने के लिए, इसलिए मैंने डाला है। तो आप भी ट्राई करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हैं खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।